नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वेटरनरी स्टडी में। और दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, लाइव स्टॉक टर्मिनोलॉजी। राजस्थान के अंदर जो पशुधन शब्दावली है उसके बारे में आज हम इस वीडियो में जो है पूरा बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा ज़रूर विजिट करना। कुछ ऐसे टॉपिक है आज हमारे पास, कुछ ऐसी क्लास है जिसमें बहुत ही मज़ा आने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसमें हम राजस्थान की जो देसी भाषाएं होती है पशुओं से संबंधित, पशुधन पशुपालन से संबंधित जो राजस्थानी भाषाएं है उनसे सब जुड़ी जो शब्दावली है और उनका अर्थ क्या होता है उसके बारे में आज हम पूरी तरीके से बात करेंगे। कि जैसे कि बर्द किसे कहते हैं, केड़ी किसे कहते हैं, डोबका किसे कहते हैं, इस तरीके से जो पशुओं से संबंधित जो टर्मिनोलॉजी है लाइव स्टॉक की, पशुधन की, तो उसके बारे में जो है हम इसमें बात करेंगे, पढ़ेंगे। तो दोस्तों, वीडियो जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को पूरा ज़रूर विजिट करना। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना, और अगली वीडियो पाने के लिए ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को, अंत तक बने रहना, बहुत ही इम्पोर्टेंट और मज़ेदार वीडियो है जिसके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला अपना जो शब्द है वो है जुड़ा। क्या है जुड़ा? ये दोस्तों जो है राजस्थान की देसी शब्दावली है। राजस्थान में जो पशुधन है उससे संबंधित जितनी भी वस्तुएं हैं उनको राजस्थानी भाषा में गांव के लोग क्या कहते हैं और उनका जो अर्थ है वो क्या निकलता है, कि इनका अर्थ क्या होता है जो राजस्थान में गांव के लोग बोलते हैं। तो दोस्तों, जो जुड़ा, आप जो पहला शब्द है अपना जुड़ा, तब जुड़ा किसे कहते हैं? तो जुताई के लिए हल को खींचने हेतु बैल के कंधे पर रखे जाने वाला भाग जुड़ा कहलाता है। तो दोस्तों, जो गांव से बिलोंग करते हैं, जो गांव में रहते हैं और जो बैल पशुओं को पालते हैं, उनको ये ज़रूर पता होगा कि जुड़ा किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जुड़ा क्या होता है? जब भी खेत को तैयार करते हैं फसल बोने के लिए, तो उस समय जो है हल को खींचने के लिए, चलाने के लिए दोनों बैलों के ऊपर जोड़े में खड़े करके दोनों बैलों के ऊपर एक लंबी जो है लकड़ी का बना हुआ उपकरण रखते हैं जिसे जुड़ा कहते हैं, और इसे जौड़ा, जीवड़ा या फिर जोहड़ा भी कहते हैं। क्या? जो जुड़ा जो होता है उनको जौड़ा, जुड़ा, जीवड़ा या फिर जोहड़ा भी कहते हैं। ये इसका भावार्थ। बहुत ही अच्छे शब्द है दोस्तों, इंटरेस्टिंग वीडियो है, पूरा जरूर विजिट करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहना। अगला पॉइंट है दोस्तों कि सोल या समेल। ठीक है दोस्तों, क्या? सोल या समेल, तो इसका जो अर्थ होता है वो क्या होता है कि जुड़े में दोनों तरफ पार्श्वों में बैलों के कंधों से बाहर की तरफ ऊपर से नीचे की ओर बनाए गए लगभग 2 सेंटीमीटर के छिद्रों में लकड़ी की खूंटियां लगाई जाती है, जिन्हें सोल या फिर सेलम कहा जाता है। तो दोस्तों, जो जैसे कि ये मान लो कि जुड़ा है, ठीक है दोस्तों, और इस तरीके से ये बैलों को वहाँ पर, बैलों के ऊपर वहाँ पर लगाए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से, तो यहाँ पर जो बाहर निकले हुए जो ये भाग है वहाँ पर 2 सेंटीमीटर के जो है छिद्र होते हैं, उनमें छोटे छोटे लकड़ी की खूंटियाँ लगाई जाती है ताकि जो है ये बेल बाहर की तरफ नहीं निकले। ठीक है दोस्तों, तो इसे कहते हैं सोल या फिर समेल। नेक्स्ट है नाड़ा। ठीक है दोस्तों, क्या है नाड़ा? तो नाड़ा किसे कहते हैं? चमड़े या सण की सात हाथ। ठीक है दोस्तों, क्या? चमड़े या फिर सण की सात हाथ लंबी रस्सी जिसे जुड़े और हल को जोड़ा जाता है। जो जुड़ा जो मैंने बताया आपको और हल को आपस में जोड़ने के लिए जो यूज़ किया जाता है उस रस्सी को जो है नाड़ा कहते हैं, और इसे नैण, नूनिया, हफन या फिर नाडहेली इन नामों से भी जाना जाता है, और इनको ये भी कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों खूंटा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि खूंटा किसे कहते हैं। तो दोस्तों, जो पशुओं को बांधने के लिए जो ज़मीन के अंदर लकड़ी का टुकड़ा या फिर पत्थर का टुकड़ा गाड़ते हैं, अंदर आधा भाग अंदर होता है और आधा भाग बाहर होता है, तो उस पर जो पशुओं को बांधने के लिए ज़मीन में गाड़ी जाने वाली लकड़ी या वस्तु खूंटा कहलाती है। ठीक है दोस्तों, किसको? पशुओं को बांधने के लिए, जिसे हम खूंटा कहते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों कि मैक। अब मैक इसे कहते हैं कि घोड़ों को बांधने के लिए गाड़ा गया खूंटा मैक कहलाता है, और नॉर्मल जो खूंटा होता है उसको हम खूंटा ही कहते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों सिंदरा। अब जो रस्सी होती है उसको सिंदरा या फिर हिंदरा कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंदरा या फिर
सींदरा। तो पशुओं को बांधने के लिए प्रयुक्त होने वाली रस्सियां सींदरा कहलाती है या फिर हिंदरा कहलाती है। अगला पॉइंट है दोस्तों बर्रा। बर्रा बैलगाड़ी में सामान बांधने में प्रयुक्त होने वाली रस्सी बर्रा कहलाती है। यानी कि जब कोई भी वस्तु को बैलगाड़ी में रखा जाता है और उसका अगर गिरने की संभावना रहती है तो उसको हम बांध देते हैं किसी रस्सी से, तो उस रस्सी को हम बर्रा या फिर बर्रा कहते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों नाड़ी। नाड़ी किसे कहते हैं? तो नाड़ी के जुड़े से बांधे जाने वाली रस्सी नाड़ी कहलाती है। क्या? गाड़ी के जुड़े, जो गाड़ी जो होती है, पहले हल था फिर ये गाड़ी है, गाड़ी के जुड़े में बांधे जाने वाली रस्सी को हम नाड़ी कहते हैं। और अब बेलचा। बेलचा किसे कहते हैं? तो ऊँटों को बांधी जाने वाली रस्सी को बेलचा कहते हैं। किसको बांधना है? ऊँटों को। और पशुओं को बांधने के लिए हिंदरा कहते हैं या फिर सिंदरा कहते हैं। अब ये पॉइंट दोस्तों आप सभी जानते ही होंगे, एनिमल हस्बेंड्री में ज़्यादा यूज़ होने वाला है न्यूजनों या फिर न्याणा। ठीक है दोस्तों, क्या? न्यूजनों या फिर न्याणा किसे कहते हैं? तो दूध दोहते समय जो गाय की पिछली टांगों, ठीक है दोस्तों यहाँ पर टांग है नहीं कि टाटो, टांगों को जिस रस्सी से कैची नुमा बांध दिया जाता है उसे न्यूजनों कहते हैं, जिसको हम कहते हैं न्याणा, न्यूजना लगाना। यानी कि दूध निकालते समय या फिर कोई ट्रीटमेंट करते समय पशु के पैरों, पिछले वाले पैरों पर इस तरीके से कोई गांठ लगाई जाती है, ठीक है दोस्तों, इस तरीके से, तो उसको हम न्यूजना फिर या न्याणा कहते हैं। अगला है दावणों। दावणों अब किसे कहते हैं? कि घोड़ों की एक पार्श्व की आगे व पीछे की टांगों में सूमो के ऊपर एक रस्सी बांधी जाती है, इसको ही दावणों कहते हैं। यहाँ करने की दावणों लगाना, यानी कि ऊँट के आगे के दोनों पैरों में बांधी जाती है, ठीक है दोस्तों। जो ऊँट जो होता है उसके आगे के जो दोनों पैर होते हैं उस पर बांधी जाती है, ताकि जो है ऊँट कहीं पर भी जाए नहीं, उसको हम दावणों कहते हैं। अगला है मोहरी। इसको भी बहुत ज़्यादा उपयोग में लिया जाता है एनिमल हस्बेंड्री में दोस्तों। मोहरी, जिसको हम हिंदी में शुद्ध भाषा में बोलते हैं मोहरा, पशु के मोहरा लगाना, पहनाना। तो पशु के मुंह पर बांधी जाने वाली रस्सी जिसे उसे किसी खूंटे से बांधने में सहायक होती है उसे मोहरी या फिर मोहरा कहते हैं, जिसे देसी भाषा में मोहरी कहते हैं राजस्थानी भाषा में। अगला है छींकी। ठीक है दोस्तों, क्या है पॉइंट? छींकी। तो छींकी किसे कहते हैं? कि बछड़े के मुंह पर दूध पीने से रोकने या फिर मिट्टी खाने से रोकने के लिए लगाया गया रस्सी का अवरोध छींकी कहलाता है। यानी कि जो छोटे बच्चे जो होते हैं वो ज़्यादातर मिट्टी खाते हैं या फिर दूध पीने से रोकने के लिए उनके मुंह पर रस्सी का अवरोध लगा दिया जाता है, जिसे छींकी कहते हैं। अब दोस्तों अगला पॉइंट है नाथ। अब दोस्तों ये भी बहुत ही ज़्यादा उपयोग होने वाला पॉइंट है। नाथ को बैल को नियंत्रित करने के लिए नाक में पहनाई गई जो रस्सी होती है उसे नाक कहते हैं। यानी कि जो हिंदी या फिर इंग्लिश भाषा में बोल सकते हैं बुल नोज रिंग। ठीक है दोस्तों, क्या? बुल नोज रिंग, जिसे हिंदी में ये नाथ या फिर राजस्थानी में नाथ बोलते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों पो या खेल। ठीक है दोस्तों, ये खेल स्पोर्ट वाला खेल नहीं है, ये राजस्थानी भाषा का अलग ही पॉइंट है। पो या फिर खेल, यानी कि पशुओं के पानी पीने के लिए कुएं के बाहर बनाया गया लंबा होज पो कहलाता है। यानी कि जो पशु के पानी पीने का जो पात्र होता है, जिसे सीमेंट के द्वारा या फिर पत्थर के द्वारा बनाया हुआ होता है, उसको पो कहते हैं। पानी पिलाने का पात्र जिसके पो कहते हैं, जो छोटी या फिर बड़ी हो सकती है, और जो छोटी जो होती है उसको खेल कहते हैं। अगला है बाढ़। ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला पॉइंट है दोस्तों। तो बाढ़ किसे कहते हैं? कि पशुओं को खेतों में घुसने से रोकने के लिए खेत के चारों ओर बबूल, खरणी, थोर, रतनजोत आदि पेड़ लगा दिए जाते हैं, अथवा कांटे वाली टहनियाँ या जंगली झाड़ झंझाड़ लगाकर दीवार बना दी जाती है, जिसे बाढ़ कहा जाता है। बाढ़, जिसे और देसी भाषा में बोलते हैं वाड़। वाड़ करना, यानी कि पशुओं को खेत में जाने से रोकने के लिए या फिर किसी खेत से बाहर निकलने के लिए रोकने के लिए किसी दीवार का सहारा न लेते हुए ये जो पेड़ पौधे होते हैं, जैसे बबूल, खरणी, थोर, रतनजोर या फिर जो कांटेदार जो पेड़ पौधे, टहनियाँ जो होती है, उनको दीवार की तरह बना दी जाती है, जिसे बाढ़ कहते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों डोज या फिर डोल। ठीक है दोस्तों, क्या है? डोज या फिर डोल। तो इसका मतलब क्या होता है? कि पशुओं को रोकने के लिए बाढ़ के स्थान पर
मिट्टी की ऊंची दीवार बनाई जाती है जिसे डोज या फिर ढोल कहा जाता है। तो दोस्तों पहले पशुओं को रोकने के लिए कांटों का या फिर वनस्पति का उपयोग किया जा रहा था, लेकिन इस बार क्या है, मिट्टी की दीवार बनाई जाती है, ऊंची दीवार जिसे डोज कहते हैं या फिर डोल कहते हैं। अगला है बिछियाँ। बिछियाँ किसे कहते हैं, तो पशुओं को डराने के लिए खेत की मेड़ पर लगभग 2 से 3 हाथ की लंबाई में कई जगह थापड़ियों की विशेष रूप से एक दूसरे के साथ त्रिकोणाकृति जमा कर बीच में पोल रखते हुए उसमें आग लगा देते हैं जिसे बिछियाँ कहते हैं, पशुओं को डराने के लिए। अगला पॉइंट है दोस्तों बागोलते या फिर अजय करना। क्या है, बागोलते या फिर अजय करना, तो इसका मतलब होता है कि पशुओं की खार चाटने की इच्छा होती है, खार तब पशु उड़द मूंग मोठ गवार आदि का कुंठला चबाते हैं और बागोलते हैं, तो इसे अजय करना या फिर बागोलना कहते हैं। यानी कि जो पशु जो है रूमिनेंट जो पशु होते हैं वो ये करते हैं, बागोलते हैं, यानी कि बागोल करना जिसे हम देसी भाषा में बोल सकते हैं बागोलते या फिर अजय करना। अगला पॉइंट है दोस्तों बैलगाड़ी या फिर सकट। बैलगाड़ी आप सब जानते हैं कि कृषि कार्य में भार ढोने में और बैलों से चलने वाली गाड़ी को बैलगाड़ी या फिर सकट कहते हैं। अगला पॉइंट है भरकस। भरकस कैसे कहते हैं, तो जिस गाड़ी में सामान ढोया जाता है उसे भरकस कहते हैं, यानी कि जो बैलगाड़ी जो होती है घोड़ा गाड़ी बैलगाड़ी ऊंट गाड़ी, तो उसमें जो सामान ढोया जाता है लाया ले जाया जाता है उसको भरकस कहते हैं। और अगला पॉइंट है कोठी या फिर गड्ढो, तो इसे ये किसे कहते हैं, तो भारत के साथ भोजन आदि के बर्तन और सामान लेकर चलने वाली गाड़ी को कोठी या फिर गड्ढो कहते हैं, गाड़ी जिसे बोलते हैं। यानी कि भारत जब पुराने ज़माने में बारात जब गाड़ी से लेकर जाते थे तो उस समय जो भोजन क्या बर्तन और सामान होते थे उनको भी गाड़ी में साथ में ले जाया जाता था, तो उसको कोठे या फिर गड्ढो कहते हैं। अगला पॉइंट है गाडो या फिर रेडकुलियो। क्या है, गाडो रेडकुलियो, तो ये किसे कहते हैं, तो पहाड़ा प्रदेश में पत्थर ढोने के लिए तैयार की गई गाड़ी को गाडो रेडकुलियो कहा जाता है, इसमें पहाड़ी प्रदेशों में। और अगला है छकड़ो या छकड़ी। ठीक है दोस्तों, ये आपने जरूर सुना होगा छकड़ो या छकड़ी, ये किसे कहते हैं, तो छोटी व हल्की गाड़ी को तांगो छकड़ो या छकड़ी कहा जाता है, गाड़ी को तांगो, यानी कि छोटी और ये हल्की गाड़ी होती है जिसे तांगो या फिर छकड़ो या छकड़ी कहा जाता है। अगला है रेडुलियो या फिर धिनसोड़ी। क्या है, रेडुलियो या फिर धिनसोड़ी, तो अब ये किसे कहते हैं कि बैलों को प्रशिक्षण देने के लिए जिस छोटी गाड़ी का उपयोग किया जाता है उसे रेडलियो या फिर धिनसोड़ी कहा जाता है। यानी कि जो बैल होते हैं जिनको खेतों के लिए या फिर गाड़ी चलाने के लिए प्रयोग में लेना है उनको प्रशिक्षण, यानी कि उनको सिखाना कि गाड़ी में कैसे चला जाता है, गाड़ी कैसे ये उपयोग की जाती है इसमें, तो उस पॉइंट को जो कहते हैं वो कहते हैं जो छोटी गाड़ी होती है उनको सिखाने के लिए, तो उसको हम रेडलियो या फिर धिनसोड़ी कहते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों सगड़। सगड़ किसे कहते हैं, अब दोस्तों कि रथ की भांति छाती या टप वाली हल्की सुंदर गाड़ी जिसे में मांच भी लगाया जाता है उसे कहा जाता है सगड़। तो दोस्तों जो रथ जो होता है उसी की तरह एक छोटी और हल्की सुंदर गाड़ी होती है जिसके ऊपर छत या फिर टप होती है और उसमें मांच भी लगा हुआ होता है उसे सगड़ कहा जाता है। तो दोस्तों ये हुए अपने राजस्थान के कुछ पशुपालन में यूज़ होने वाले देसी शब्द शब्दावली जिनका भावार्थ और अर्थ हिंदी अर्थ मैंने आपको समझाया है और इनको गाँव में नॉर्मल रूप से यूज़ में लिया जाता है। तो दोस्तों आशा करूँगा कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना और हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।